नमस्ते, फिल्म इंडिया एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। इस बार की हमारी शख्सियत है राजेश तैलंग जी। आप इनसे वाकिफ हैं, मिली क्राइम से, सिलेक्शन डेज से, मिर्जापुर से, और इसके साथ फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। आज हमारे साथ उनकी बातचीत है, हमारे साथ यहाँ सत्यवती कॉलेज के ग्राउंड पे हैं, और हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं राजेश तैलंग जी से। स्वागत है आपका फिल्म इंडिया में। थैंक यू। बीकानेर से शुरुआत करते हैं। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, बड़े बड़े कार्टूनिस्ट और पिताजी का प्रिंटिंग प्रेस, फिर उस लड़के के अंदर ऐसा क्या आता है जो एक बार इंजीनियरिंग की परीक्षा भी अपीयर हो चुका है कि मुझे फिल्मों में ही जाना है? इंजीनियरिंग की परीक्षा तो मैंने ऐसे ही दोस्तों के साथ की वजह से दे दी थी, कोई बनना नहीं था। हाँ, बचपन में ये तमन्ना ज़रूर थी कि साइंटिस्ट बनूँ, इसीलिए साइंस स्ट्रीम में गया, मैथमेटिक्स में बीएससी की। लेकिन परिवार हमारा कलाकारों का था, मतलब फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, बट संगीतज्ञ और पत्रकार या फिर पेंटिंग, मामा जी पेंटर और इस तरह से था, तो उस वजह से कला तो थी घर में। हाँ, एक्टिंग में कोई नहीं था, लेकिन बचपन में थोड़ी सी ऐसी जागती है सबकी इच्छा, और अगर घर वाले साथ दे दें तो वो थोड़ा सा बन जाता है। बचपन में आपने कुछ लोकल लेवल पे नाटक वाटक किए? लोकल लेवल पे तो मेरे चाचा ने एक ऐसे ही, हम बच्चों को गली मोहल्ले में चौकी पे एक नाटक करवाया था, प्रताप विजय। हाँ, तो वो नाटक किया था, तो महाराणा प्रताप पे कोई कहानी थी, वो किया। और उसके बाद फिर ऐसे ही इच्छा थी तो खुद कुछ कुछ करते रहते थे। मेरे फादर क्योंकि बड़े साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था उनका, और प्रिंटिंग प्रेस थी, इसकी वजह से घर में वर्कशॉप नुमा एक चीज़ थी जिसमें कुछ भी चीज़ बनाई जा सकती है, तो वो हमें सिखाते रहते थे। कई बार वो प्रोजेक्टर लेके आते थे, एंडर ट्रेड प्रोजेक्टर बॉम्बे दिल्ली से, और वो करते थे, तो हमको एक पिन होल कैमरा बनाना सिखाया, तो उसमें पीछे कागज़ पे वो जो सामने जो दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीर उल्टी दिखाई देती है, फिर दो लेंस लगा के वो सीधी हो जाती है, वो करते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना करें, तो हम कुछ बच्चों ने फिर उस पिन होल कैमरे के सामने कुछ ऐसे नाटक प्रिपेयर करके किया जो दिखाई देगा पीछे उस पे कमरे में, तो पिन होल कैमरे पे किया, तो वो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा लेकिन दिखाई दे रहा है। तब तक टीवी भी नहीं आया था बीकानेर में, तो वो उस तरीके से शौक थोड़ा बढ़ता रहा। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से के कारण सारे पिक्चर हॉल की टिकट्स हमारे यहाँ छपती थी, तो पिताजी के साथ जाके पिक्चर हॉल में फिल्में देखते थे, प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखता था, तो वो एक 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 वो क्या जादू, सिनेमा का जादू चढ़ता था। तो आमतौर पर एक्टर के साथ ऐसा होता है कि कोई एक आइडल बन जाता है दिमाग में, उसको देखा और फिर लगता है कि नहीं, इसी की तरफ ज़िंदगी जीनी है, इसी की तरफ बोलना है, इसी की तरफ चलना है। तो ऐसा एक्टर, आप एक इंटरव्यू में कह चुके हैं अमिताभ बच्चन आपके लिए वो कारक रहे शायद, लेकिन क्या सिर्फ एक कारण इतना बड़ा रहा कि आप सिनेमा की तरफ मुड़े? नहीं, वो नहीं है, वो कारण नहीं है। अमिताभ बच्चन वैसे ही अच्छे लगते थे, वो फिल्मों में आना हो चाहे नहीं आना हो, शायद उनका जो विद्रोह था जो हमारे अंदर छिपा हुआ रहता है, वो अपील कर रहा था, या उनकी स्टाइल थी या क्या था, जो भी था, बहरहाल वो एक थे जिनकी, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा घाटा भी हुआ कि शुरुआती नाटकों में जब जब एक्टिंग करता था लोग कहते थे अमिताभ बच्चन का प्रभाव आता है, जो बाद में जाके NSD में जाके मैं उससे मुक्ति पा सका। तो अमिताभ बच्चन कैसे करते हैं उसकी नकल ना करके उनसे अलग तरह की इंस्पिरेशन बाद में बनी कि उनका प्रोसेस क्या है, वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण ही बजाय उनके कि उनकी बाहरी नकल की जाए। मतलब नेशनल स्कूल ड्रामा ने ज़्यादा रोल आपके उसमें प्ले किया इस खोल से निकलने में, और इस खोल से मैं वैसे भी निकला हुआ था, मानसिक तौर पर तो निकला हुआ था, जो एक शरीर की आदत हो जाती है उसमें नहीं निकला हुआ था, क्योंकि रंगमंच हम जो कर रहे थे वो बातें तो हम सामाजिक सरोकार की ही कर रहे थे, तो इसलिए वो उस खोल से तो निकला हुआ था मैं, लेकिन वो शारीरिक आदत नहीं छूटती थी। एक वो बाहरी आवरण भी होता है ना, जैसे वो दौर जब आप डेवलप हो रहे थे, वो अमिताभ बच्चन का दौर था, एंग्री यंग मैन वाला उभार का दौर था मेरे ख्याल से, तो मतलब मैं छोटा था, 70s की बात है वो, फोटोज और तस्वीरें अगल बगल से क्रिएट करती हैं, तो बाल और डिजाइन कपड़ों के सारे चीज वही चल रहे होते हैं लंबे दौर पर, छोटे शहरों में तो और लेट आता है पैसा, इस वजह से। आपके बड़े भाई साहब बड़े कार्टूनिस्ट रहे इस देश के, और
आपने गाहे बगाहे उनका जिक्र किया है कि हमेशा करते ही आप, उन्होंने नेशनल स्टोरी ड्रामा की तरफ आपको पुश किया। हाँ, मैं वो रास्ता दिखाया कि तुम इस रास्ते में, उनको लगता था कि मैं कुछ कुछ ऐसी हरकतें करता रहता हूँ जो उन हरकतों को थोड़ा सा तेल पानी यहाँ मिल सकता है। तो वो जब गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली आ जाया करता था तो वो बच्चों की वर्कशॉप होती है NSD की, उसमें उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया था। तो दो दफ़ा वो की और थोड़ा सा उससे आभास हुआ कि यार इस पे ट्रेनिंग ली जा सकती है, इस पे पूरा अच्छे से काम किया जा सकता है। NSD का एक्सपोजर मिला, फिर और थिएटर किया जो NSD के लिए ज़रूरी होता है पहुँचने के लिए, और ग्रेजुएशन किया और फिर NSD में एडमिशन किया। दो चीज़ें छोटी छोटी हैं कि एक तो काफ़ी नामचीन कार्टूनिस्ट रहे आपके, बड़े थे और खासे बड़े थे आपसे। दूसरा, घर में आप लोग के बीच उनकी छवि, क्योंकि तब आप लोग बहुत छोटे थे, उनका नाम हो चुका था मेरे ख्याल से। तो एक तो ये कैसी थी, क्योंकि उस तरीके होती ना, बड़े भाई का नाम हो गया है, फिर एक दबाव दूसरे तरीके छोटों पर आता जाता है, क्या वैसा कभी दबाव रहा? और दूसरा उससे जुड़ा हुआ ये है कि आज के समय में भी राजेश तैलंग एज एन एक्टर उनके भीतर या आसपास के अपने भीतरी हिस्से में कहीं सुधीर तैलंग जी कैसे अपने आप को पाते हैं? देखिए, उनका दबाव तो नहीं रहा, लेकिन उनकी वजह से बहुत एक्सपोजर मिला, और वो बहुत ही, मतलब मेरे से 10 साल बड़े थे, बावजूद इसके वो बहुत दोस्त की तरह से थे हमेशा, तो उस तरह का दबाव तो नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर रहता है कि हाँ, घर में का अगर कुछ नाम होता है या होता है तो आपको भी लगता है यार मेरा भी होना चाहिए। लेकिन वो एक बहुत ही हेल्दी सा भाव था जिसके लिए वो हमेशा साथ देते थे। आज भी वो हर वक्त में कुछ, अभी भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है या कुछ भी बुरा होता है तो मेरा फ़ोन पर ध्यान जाता है, और मैं सबसे पहले ऐसा लगता है उनको फ़ोन करूँ, फिर लगता है कि नहीं बात हो सकती उनसे। तो वो आज भी रहता है, और अभी भी मुझे लगता है कि वो जहाँ पे कहीं भी देख रहे हैं उनको खुशी होती होगी मेरा काम देख। निश्चित तौर पे। तो नेशनल स्कोर ड्रामा में लंबा समय बिताया आपने, फिर उसके बाद मुंबई का सफर, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए जब आप निकलते हैं। मैं उसमें बहुत भाग्यशाली रहा एक तरह से, कि मेरे को NSD से निकलते ही एक इंडिया का पहला टेली सोप था जो शांति, वो मिल गया। तो इस वजह से मेरे को जाने के शुरुआती वक्त में जो एक स्ट्रगल होता है वो नहीं हुआ, वो स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुआ शांति के खत्म होने के। इंटरेस्टिंग कहानी है शांति मिलने की भी शायद आपकी। हाँ, वो तो मैं NSD में टॉयलेट में था, कोई मिल गया तो मेरे जी, जो जी, साथ में निवृत्त हो रहे थे। तो ये टारगेट आपका था कि मैं थिएटर करके, थिएटर के अपने रूट्स पे जाके थिएटर नहीं करूंगा, जनरली जैसा होता है? नहीं, मैंने बीकानेर में भी NSD के बाद भी थिएटर या दौरान भी गया, मैं करता रहा, लेकिन ये था कि मतलब मैंने अपने आप को, जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैंने अपने आप को दायरे में नहीं बांधा, मैं अभी भी थिएटर भी करता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ। जब जिसमें ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो और काम मिल रहा हो वो है, क्योंकि जिसको एक्टिंग से प्यार है या जिसको इस कला से प्यार है उसको कहीं पे भी वो मौका मिले वो करेगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अभी भी बीकानेर वाले थिएटर सर्किट में आप कोशिश करते हैं लोग? नहीं, मैं अभी जाके कर नहीं पाता, हालांकि मैं उन सब लोगों के टच में हूँ, अभी गया था, मैं सबसे मिल के आया था, और हम लोग बाई चांस, मैंने बीकानेर में शूटिंग की एक सीरीज़ आने वाली है Amazon की, तो पहली दफ़ा अपने शहर में जाके शूट किया, और नसीर सर उसमें मेरे फादर बने हैं, तो मुझे लगा बहुत अच्छा मौका है। तो अपने थिएटर के जो ग्रुप के जो यंग अभी बच्चे हैं उनको नसीर सर से मिलवाया, उनके साथ एक मास्टर क्लास और बातचीत करवाई। तो इस चीज़ तो चाहिए, क्योंकि ये सीरीज भी कमाल होने वाली है कि एक साथ नसीर साहब और आप दोनों ही स्क्रीन शेयर करेंगे। नहीं, उसमें बहुत सर, मैं वैसे नसीर सर के साथ तो मेरा तीसरा चौथा काम है और वो टीचर भी रहे हमारे, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी बोलना शायद अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन एक शानदार काम होगा निश्चित तौर पे, इंटरेस्टिंग होगा। बड़े नाम एक साथ जुड़ रहे हैं खासतौर पे। अरे नहीं, नसीर सर के सामने मैं क्या, ऑब्वियसली मैं ऐसे देखता हूँ कुछ भी, मैं तो उनके सामने बस एक शिष्य की तरह से खड़ा हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली नसीर साहब एक तो लीजेंड हैं ही, कम से उनके सामने खड़े होने के लिए भी नए लड़कों के तो पैर कांपने लगे। जबकि 2007 से 2012 तक का दौर, वापसी का मुंबई से, मैं
मतलब लगभग उससे थोड़ा पहले आ गया था, लेकिन वो कुछ काम बचे हुए थे बॉम्बे के, आता आना जाना लगा रहा। 2007 से करीब दिल्ली में रुक गया, और फिर क्योंकि फिल्मों में मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा था, सर्वाइवल की दिक्कत नहीं थी। बॉम्बे में मैंने अपना एक घर खरीद लिया था तभी, तो बड़ा काम हो गया तो क्या है कि मैं अगर चार दिन भी शूटिंग कर लूँ तो मेरा काम चल जाए, ऐसी स्थिति थी। लेकिन वो काम इतना नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि बॉम्बे में ग्रो किया जा सकता, इवॉल्व नहीं हो रहा था। तो वो मुझे लगा कि दिल्ली में ऐसा कुछ परिस्थितियाँ बनी, मतलब ऐसा कोई निर्णय नहीं था कि आऊँ, परिस्थितियाँ बनी कि यहाँ पे एक नाटक करना है और उसमें कुछ लिखने में सहयोग करना है, तो मुझे बुला लिया गया NSD में, तो मैंने लिखने में सहयोग किया और वो आ गया। तो धीरे 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 काम से काम बनता गया, और क्योंकि फिल्मों में दो सीन चार सीन मिल रहे थे, तो वो मैं करना नहीं चाह रहा था, तो मना करता रहा। तो वो 5 साल ऐसे थे जब मैंने कैमरे के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ थिएटर ही करता रहा। ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि आपने एक जगह कहीं किसी इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आपने वो कुछ थिएटर ग्रुप इसलिए ज्वाइन किए, बड़े थिएटर ग्रुप थे, बड़े नाम वाले थिएटर ग्रुप थे, तो विदेश दौरा भी मुझे नहीं, ये ऐसे मैंने मजाक में कहा था, लेकिन मेरा ये था कि उस दौरान मुझे थिएटर में एक्सपोजर बहुत मिला कि विदेश जाके बाहर के थिएटर को देखना, वो करना, और ऑब्वियसली उन जो मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उस दौरान, सबसे ज़्यादा काम तो मैंने अनुराधा कपूर जी के साथ किया, और वो हमारी बहुत ही, मतलब इतने वक्त से हमारी इतनी आदरणीय टीचर हैं और उनसे बहुत सीखा है, और वो उनके साथ ही ज़्यादातर किया, गुमा कीर्ति जैन जी के साथ किया और इस तरह से किया, लेकिन ज़्यादा अनुराधा जी के साथ ही काम किया। अब जबकि काफ़ी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल इतने सारे हैं, उसमें काफ़ी नए एक्टर्स जिनको मेन स्ट्रीम सिनेमा ने कभी उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो वापस लौटने को मजबूर है अब, कि इन्हें चाहिए, क्योंकि उनका एक ऑडियंस है जो उनको देखने जाता है। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं ना कि थिएटर जो है बेसिकली एक्टर का मीडियम है, डायरेक्टर का मीडियम सिनेमा, लेकिन अब वो एक्टर वहाँ भी अपनी जगह बना रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं ये देखना है मुझे, इसको देखने के लिए कुछ लोग पर्टिकुलर एक सीन देखने के लिए भी जा सकते हैं, ये कारण ढूंढने लगे हैं। तो अब इस दौर को आप कैसे देखते हैं एज एन एक्टर, जब आप एक मेन स्ट्रीम में खुद एस्टैब्लिश हो चुके हैं? स्टेबलिश का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स और इस तरह का आया है, वो हमारे जैसे एक्टर्स के लिए एक वरदान साबित हुआ है, कि फिल्मों में जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने डेप्थ और इतने गहराई वाले हमें मिल नहीं पाते थे, जो यहाँ पे मिल पा रहे हैं। और जब तक एक कैरेक्टर अच्छे से वेल रिटन और ना हो, तब तक वो अभिनेता अपना इनपुट दे कितना अच्छे से दे सकता है, ये थोड़ा सवाल ही रहता है। तो वो अभी इतने अच्छे लिखे हुए कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ आप अभ्यास करना चाहते हैं, जो कुछ आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो आप कर पा रहे हैं, ये एटलीस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म। और इस पूरे प्रोसेस पे जो एक कवि है, राजेश तैलंग नाम का कवि, जिसे बहुत लोग अभी परिचित नहीं है शायद, ऑनलाइन देख रहे हैं हम चीज़ों को, और आपका वो चैनल भी है, और आप एक शॉर्ट फिल्म मेकर्स भी हैं, कुछ कुछ इश्यूज पे बनाते रहते हैं। आपने जैसा बताया जब मोस्ट वांटेड के आपने 80 के आसपास शूट किया, काफ़ी पहले 20 साल हो गए, लेकिन वो एक उसको उस तरह से नहीं, अभी के जो आप काम कर रहे हैं, और बतौर एक टीचर, अभिनय के टीचर के तौर पर, ये 3-4-5 भूमिकाएं जो आप, उसमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि वाला मसला कहाँ पे आके टिकता है मामला? मुझे मेरे साथ शायद समस्या ये है, जो शायद मेरी ताकत भी हो और मेरी कमज़ोरी भी हो, वो ये कि मुझे किसी में भी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसीलिए मैं इधर उधर कुछ करता रहता हूँ। इम्प्रूव करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, इसलिए आप चाहते हैं इम्प्रूव होते रहे। हाँ, कुछ ना कुछ कर, मेरे को हर चीज़ में, इस किसी में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, तो मुझे लगता है मैं सब कुछ करता रहूँ, और अल्टीमेटली ये कम्प्लीट सारा कुछ कर पाएँ, वो शायद ये कैसे आता है अंदर मालूम नहीं, लेकिन मेरे को सब करने में मज़ा आता है और सब करने में अधूरापन ही लगता है। और आपका YouTube चैनल है, उसका क्या? थिएटर टॉकीज़ है, प्लीज सब्सक्राइब करें, कीजिए। आप अमिताभ बच्चन आपके फेवरेट रहे, कभी अभी लगता है इस समय कि आपको ऐसा ही एक लार्जर देन लाइफ टाइप का एक रोल करने को मिल जाए, अमिताभ जैसा ही कुछ, कि मज़ा आ जाए जिसमें सारा मसाला हो, पूरी मसालेदार चीज़ें, हमेशा वो टेंस? बड़ा मुश्किल काम है, मैंने एक दफ़ा किया था एक सीरियल, वो कभी आया नहीं,
लेकिन वो सीरियल ऐसा ही था, लार्जर देन लाइफ था और मैं उसका मेन प्रोटैगनिस्ट था और वो फिल्मी सीरियल था, वो कभी आया नहीं, उसके 7-8 एपिसोड बन के बंद हो गए। लेकिन मैंने तब ये देखा कि वो बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए उतनी और उससे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। तो अगर मिलेगा तो उसको एक एक्टर के तौर पर ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। उसको हम कई बार हम ये देखते हैं ना कि ये जो पेड़ों के पीछे नाचना गाना या हीरो को मारना, एक साथ 20 लोगों को मारना, ये कोई सरल काम है, ऐसा नहीं है, वो भी उतना ही कठिन है, उसमें उतनी स्किल, क्राफ्ट और एक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप चूंकि मुंबई आपको पहचान चुकी है, आपसे दोस्ती कर चुकी है बहुत अच्छे से, फिर भी दिल्ली से जो है नहीं, ऑब्वियसली जब हम लोग अभी जब बात करने से पहले जो भूमिका बना रहे थे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे शहरों से कई लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी थी कि एक बार वीडियो पे दिखा दीजिएगा वकील साहब, तो वकील साहब इनका किरदार है मिर्जापुर का। तो ये तो दोस्ती कर ही चुकी है मुंबई खासतौर पर, मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं, आपको अभी शायद मानने में भी टाइम लगे, अब एक क्रिएटिव भीतर का इंसान है ना, तो संतुष्ट जल्दी हो जाए तो फिर दिक्कत है। लेकिन फिर भी दिल्ली का मोहभंग नहीं होता। नहीं, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं, वो जो मैं फ़र्क बोल रहा था ना, बॉम्बे में ग्रोथ है, यहाँ इवॉल्व होते हैं आप, ऐसा मेरे को महसूस होता है। तो दिल्ली, मुझे लगता है, मैं इसका एक और फ़ायदा है कि मैं जैसे थोड़ा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा कटा हुआ सा रहता हूँ, वो मुझे अलग तरह से फ़ायदा ये देता है कि मैं कुछ सोचता हूँ, करता हूँ, वो शायद मेरा वो किसी और जगह से आता है, वहाँ की बनी बनाई प्रथा से नहीं आता, वो शायद मेरे लिए फायदा करता हो। मैं मतलब ये बाद में एनालाइज कर रहा हूँ, ये कोई प्लान नहीं है, बट मैं अगर एनालाइज करने को आप कहें तो शायद इस तरह से करूँ। हाँ, मतलब वो नकलीपन नहीं रह जाता फिर, लगता है नहीं, नकलीपन मैं नहीं कहूँगा कि वो उधर के की नकलीपन है उधर कोई और इधर कोई असलियत है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन कुछ अलग तो है, मतलब एक अलहदा है, इसलिए दिल्ली जरूरी है। पूरा और दिल्ली घर परिवार यार दोस्त थिएटर, यहाँ पे यहाँ ज़्यादा मैं, मुझे लगता है जब भी खाली हूँ तो दिल्ली ही रहूँ। बिल्कुल, दो छोटी सी अंतिम चीज़ है, एक तो जो बहुत मौजूद सवाल है, आप वेब सीरीज कर रहे हैं, बड़ा चर्चित नाम वेब सीरीज के, ये जो सेंसरशिप का सवाल जो उठा रहे हैं, इसको कहाँ और किस हद तक आप देखते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना जायज़ है? आदर्शवादी तरीके से बोलूं तो मुझे लगता नहीं कि सेंसरशिप होना चाहिए किसी भी किस्म का। आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि ये इस तबके, इस श्रेणी के लोग देखें, इस उम्र के लोग देखें, ये इनके लिए उपयुक्त नहीं है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए सेंसरशिप। थिएटर, सिनेमा, वेब सीरीज, इन तीनों में जो दुनिया बसी हुई है, वो राजेश तैलंग के सबसे नज़दीक कौन से है? सब है इक्वली, तो पता नहीं, जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे, मतलब ये अपने घर के बच्चे होते हैं अलग अलग, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं आइडियली ये कहूँ कि नहीं, थिएटर मेरे लिए बहुत प्रिय है और मैं थिएटर ही, जैसे आमतौर पे एक थिएटर आर्टिस्ट से ये उम्मीद की जा सकती की जाती है, शायद आपके भी हो, कि मैं बोलूँ कि थिएटर मेरा सबसे प्रिय है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि थिएटर की अपनी खामियाँ हैं, अपनी ताकतें हैं, ऐसी सिनेमा, वेब सीरीज, सीरियल्स, इनकी अपनी खामियां हैं, अपनी ताकतें हैं, और हमको एक अभिनेता के तौर पे मैं तो सबका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शायद यही वजह है कि थिएटर वाला आदमी था कि आप 60 साल के बुजुर्ग की भूमिका में उतर जाते हैं पहले पर्दे पर। हाँ, ये एक मेरे फिल्म की शुरुआत, मेरा पहले फिल्म में मैं 26 साल का था, तब मैंने 60 साल के बुजुर्ग की भूमिका की थी। ये थिएटर की ताकत थी, थिएटर की ताकत, तो मैं वही कह रहा हूँ, थिएटर की ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थिएटर की ताकत से सिनेमा की दुनिया में भी छा रहे हैं। आप भी अपनी लेटेस्ट अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बता दीजिए ऑडियंस को हमारे। देखिए, अभी तो दिल्ली क्राइम 2 होगा, मिर्ज़ापुर 2 हो रहा है, आने वाला है, मेरी एक फिल्म आने वाली है कमांडो 3 अगले महीने, उसके बाद आएगी पंगा, और 2-3 फिल्में और कर रहा हूँ जिसको, और एक एक वेब सीरीज और है जो नसीर सर के साथ जो बात की है, अमेज़ॉन की, वो है। आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप
इंतज़ार कीजिए। राजेश तलंग सर को शुभकामनाएं हमारी फिल्मेनिया की तरफ से। आपने हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। थैंक यू सर। शुक्रिया। तो ये थे एमिनेंट थिएटर एंड सिनेमा पर्सनालिटी राजेश तलंग हमारे साथ आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में किसी और जानी मानी शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मेनिया एंटरटेनमेंट। शुक्रिया।